यस, एक पार्टनर भी इंसॉल्वेंट हो गया तो फर्म क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। और इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर पे लगेगा गार्नर वर्सेस मुर्रे रूल। गार्नर वर्सेस मुर्रे रूल क्या कहता है, जो जो भी रियलाइजेशन लॉस होगा उसे सॉल्वेंट पार्टनर कैश में लेके आएंगे, जो भी रियलाइजेशन लॉस होगा उसे सॉल्वेंट पार्टनर कैश में लेके आएंगे, और जो इंसॉल्वेंट पार्टनर का लॉस होगा उसे सॉल्वेंट पार्टनर बियर करेंगे इन देयर लास्ट एग्रीड कैपिटल रेशियो। ये गार्नर वर्सेस मुर्रे में कोर्ट ने डिसीजन दिया था, ध्यान से पढ़िएगा इसको। फिर आता है इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, कोर्ट का हस्तक्षेप से कब कब फर्म को बंद करेंगे। एक पार्टनर अनसाउंड माइंड का हो गया या फिर परमानेंट इनकैपेसिटी ऑफ पार्टनर, कोई पार्टनर जेल चला गया, फिर मिसकंडक्ट ऑफ पार्टनर अफेक्टिंग द बिजनेस, किसी पार्टनर ने दुर्व्यवहार किया फर्म का बिजनेस प्रभावित हो गया, विलफुल और परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट बाय द पार्टनर, अगर पार्टनर लगातार पार्टनरशिप एग्रीमेंट की शर्तों को तोड़ रहा है तो फर्म क्या कर देंगे, डिसॉल्व, कोर्ट कहेगा बंद करो इस फर्म को। ट्रांसफर और सेल ऑफ ऑल इंटरेस्ट बाय पार्टनर, अगर कोई एक्टिवली एंगेज पार्टनर अपना सारा इंटरेस्ट किसी को ट्रांसफर कर देता है तो वहां पे भी फर्म क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। इम्प्रोबेबिलिटी ऑफ बिजनेस बीइंग कैरिड ऑन सेव एट लॉस, अगर बिजनेस को लॉस पे चलाना मुमकिन नहीं है तो कोर्ट कहेगा इस फर्म को डिसॉल्व करो। और भी कोई जस्टिफाइड इक्विटेबल ग्राउंड हो सकता है जिस पे कोर्ट कह सकता है कि फर्म को बंद किया जाना चाहिए, जैसे लॉस ऑफ सबस्ट्रेटम, पार्टनरशिप का आधार ही खत्म हो गया, ट्रस्टी खत्म हो गया आपस में पार्टनर्स का, या कोई भी पार्टनरशिप बिजनेस को चलाने को तैयार नहीं है, या गैम्बलिंग बाय पार्टनर एट स्टॉक एक्सचेंज। तो ये तीन चार ग्राउंड अलग से भी है जिसके आधार पे, और भी ग्राउंड हो सकते हैं जिनके आधार पे कोर्ट फर्म के डिसोल्यूशन का आदेश दे सकता है। डन इट, तो ये सेकंड टॉपिक भी आपका डन हो गया, ध्यान से पढ़िए। इसके बाद हम पढ़ते हैं कंसीक्वेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन, पढ़िए।